हेलो फ्रेंड्स, सभी डिजिटल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं इसके साथ वेस्ट बंगाल वर्धमान से। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। मेरा पास एलजी माइक्रोवेव लगा था, एक कन्वेंशनल मॉडल था, ये टोटल एक डेड कंडीशन में आया था, तो लाइन देकर देखूंगा ये क्या कंडीशन है। टोटली डेड है, नो डिस्प्ले है, कोई इंडिकेशन नहीं है। तो पहले सेल खोलूंगा, खोलकर देखूंगा क्या कंडीशन है। ठीक है, तो प्लग ओपन करूंगा। और तो पहले और आपको ये मॉडल नंबर दिखाना चाहूंगा, इधर से दिखाओ मॉडल नंबर। ये है मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर है MC2844SPB। ओके, तो सेट खोलूंगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, थोड़ा पॉज कर लेता हूं। तो सेट खोलूंगा, तो फ्रेंड्स सेट तो ओपन कर लेता हूँ, कर लिया। तो सेट को स्टेप बाय स्टेप चेक करूंगा। ये फर्स्ट एसी लाइन इनपुट किया, और पहले जो चेक करूंगा ये जो एसी न्यूट्रल एंड फेज है, यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है क्या नहीं। तो यहाँ पर 216 वोल्टेज प्रेजेंट है, इनपुट है। तो नेक्स्ट देखूंगा यहाँ पर जो फ्यूज है, ये फ्यूज का इधर का साइड, हाँ फ्यूज भी ओके है, यहाँ पर लाइन आ रहा है। सो नेक्स्ट जाऊंगा यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है, ये रिले ऑन होने के बाद आना पड़ेगा। तो पहले देखूंगा ये मदरबोर्ड का इनपुट हो रहा है क्या। तो मदरबोर्ड 216 वोल्टेज प्रेजेंट है। तो प्राइमरी वोल्टेज आने के बाद ये इधर से लाइन जा रहा है, तो यहाँ पर और एक फ्यूज दे दिया। ये चेक करूंगा ये फ्यूज ओके है क्या नहीं। तो यहाँ पर फ्यूज ओपन कर लेता हूँ, और बाजार में रखूंगा ये वोल्टेज, ये फ्यूज भी ओके है, तो ये लगा लेता हूँ। ओके, सो मेरा हिसाब से लग रहा है एसी इनपुट हो रहा है, ये मदरबोर्ड भी इनपुट हो रहा है। और देखूंगा मदरबोर्ड का जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं है, ये देखूंगा। यहाँ पर 5 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है, और भी 12 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है। तो मेरा हिसाब से लग रहा है इधर का कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये मदरबोर्ड का है। सो फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहूंगा, ये मदरबोर्ड खोलने से पहले सभी टेक्नीशियन को बोलूंगा, ये जो सारे कनेक्शन है ना, एक तो मोबाइल पे एक फोटो ले लीजिए, क्योंकि आपको मदरबोर्ड रेडी करने के बाद जब कनेक्शन करोगे ना, कोई कनेक्शन गलती हो जाएगा तो सेट बर्निंग हो जाएगा। तो इसलिए एक फोटो ले लीजिए। और ये खोलने का जो तरीका है, ये मदर गेट ओपन करने के बाद यहाँ पर तीनों जो लॉक है, लॉक को प्रेस करके ऊपर से और जानेगा तब ये पर ये ओपन होगा। ओके, तो ओपन होने के बाद ये सारे जैक ओपन करूंगा। तो ये मदरबोर्ड आउटपुट 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। तो
ये मदरबोर्ड का मैं रिपेयरिंग करूँगा, तो मदरबोर्ड का टोटल प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे रिपेयर होगा। तो मदरबोर्ड ओपन करने से पहले यहाँ पर जो FFC केबल है डिस्प्ले के लिए, ये एक लॉक है, तो ये लॉक को ओपन करूंगा। सावधानी से काम करिए क्योंकि लॉक टूट ना हो जाए। ओपन हो गया तो बोर्ड को अलग कर दिया। तो ये मदरबोर्ड एक एसी कॉर्ड ले लिया, एक एसी कॉर्ड ले लिया, तो एसी कॉर्ड इनपुट यहाँ पर दे दिया और देने के बाद ये लाइन दे दिया। तो एसी रेंज रखूंगा। तो पहले यहाँ पर 216 वोल्ट प्रेजेंट है, इनपुट होगा। देखूंगा यहाँ पर फाइव वोल्ट नहीं है, यहाँ पर 12 आना पड़ेगा, यहाँ पर 12 भी वोल्ट भी नहीं है। डीसी रेंज में रखूंगा। ट्वेल्व वोल्ट और फाइव वोल्ट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करूंगा, ये मदरबोर्ड का सारे जो कंपोनेंट है एसी इनपुट होने के बाद ये डीसी लाइन डीसी से कन्वर्ट होगा। ये जो डायोड है ना, तो डायोड को चेक करूंगा शॉर्ट है क्या नहीं। सही है, सही है। सही है। सही है। तो मैं लाइन दूंगा। एसी तो इनपुट हो रहा है, यहाँ पर डीसी भी प्रेजेंट, डीसी वोल्टेज देखने के लिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर पे देखूंगा ये वोल्टेज है क्या नहीं। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पर जो लाइन आता है इस कॉइल से माध्यम से यहाँ पर 287 वोल्टेज आ रहा है। तो ये एक कॉइल था, ये कॉइल ओपन हो गया मेरा हिसाब से, देखूंगा। ये एक रेजिस्टेंस था, माने पहले जो देखा ना मेरे हिसाब से लग रहा है ये रेजिस्टेंस था, किंतु ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये एल का सिम्टम दिया था, ये एक कॉइल था। कंटिन्यूटी नहीं है इधर। तो फ्रेंड्स ये कॉइल ओपन है, ये रेजिस्टेंस नहीं है,
ये एल का मार्किंग दे दिया यहाँ पर। कोशिश करूँगा क्लोज। ये पर जो यानी L1 ये पर L1 दे दिया। L1 मतलब ये कॉयल था, तो एक कॉयल ले लिया ये पर। तो ये कॉयल ये पर लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स लाइन दूंगा, तो फ्रेंड्स तो बोर्ड ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पहले देखा ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर 300 वोल्ट आना चाहिए, 294 ये वोल्टेज प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो कॉयल था ये कॉयल ओपन हो गया, इसीलिए ये पावर टोटली प्राइमरी पोजीशन पोर्शन का ट्रेड था। तो ये क्या होता है, ये एसी इनपुट होने के बाद डीसी लाइन ये कैपेसिटर के जाने के बाद ये जो चार और सेवन पिन का जो आईसी लग रहा है ये मॉसफेट था। ये मॉसफेट का ड्रेन पे वोल्टेज प्रेजेंट ना होने से ये आउटपुट वोल्टेज नहीं होगा। एक बार ये देखूंगा जो यहाँ से कोई वोल्टेज आया क्या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5 वोल्ट प्रेजेंट था, 4.9, और यहाँ पर 12 वोल्ट आ गया। तो इनपुट टू आउटपुट चेकिंग प्रोसेस दिखाया। तो फ्रेंड्स ये माइक्रोफोन मदरबोर्ड के लिए और कुछ जानकारी दे दूँ, क्योंकि ये मदरबोर्ड ज़्यादातर प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर जो मॉसफेट था ये मॉसफेट खराब होना हो जाएगा और ऑप्टोकपलर, और यहाँ पर जो TL43 है ना यहाँ पर ज़्यादातर फॉल्टी हो रहा है, ये प्राइमरी सेक्शन का बाउंड हो जाएगा, तो इसलिए ये कॉम्पोनेंट ज़्यादातर खराब हो सकता है, ठीक है। और सेकेंडरी पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिकली मिला मेरा पास। तो क्या हो, ये जो आईसी था ना, ये आईसी के जो पिन है ना मॉइस्चर के कारण से ये कार्बन आता है, तो इसलिए और एक तो प्रॉब्लम मिला मेरा पास आया था सेट। तो क्या होता है, ये आउटपुट वोल्टेज मिला यहाँ पर 5 वोल्ट के जगह से 2.5 समथिंग वोल्टेज मिला, इसीलिए नो डिस्प्ले में कंडीशन में आया था, और कुछ टाइम में आईसी भी खराब था। तो देखिए ये दोस्तों ये बात बोलना चाहूँगा, ये एलजी का बोर्ड है, ये बोर्ड कंपनी से मिला, क्योंकि ये बोर्ड मार्केट से नहीं मिला। तो जब मदरबोर्ड का प्रॉब्लम आया तो सभी टेक्नीशियन भाई को बोलना चाहूँगा, कोशिश करिए ये मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए। तो टिप्स, ये प्रोसेस है, ये प्राइमरी पोर्शन है, ये सेकेंडरी पोर्शन है, ये प्रोसेस सर सारी सिस्टम को रिले कोऑपरेट करने के लिए प्रोसेस ऐसे यूज़ किया, ठीक है। तो ये से रेडी हो गया ये। तो
नेक्स्ट स्टेप देखूंगा कि ये सेट को लगाकर परफेक्ट तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये टच पैनल का केबल है तो लगा दिया। तो यहाँ पर सेट को ये मदरबोर्ड फिटिंग करूँगा। तीनों लॉक है, लॉक होने पर डाउन करके प्रेस कर लो। ठीक है, ये 12 वोल्ट लाइन दे दो, ये 5 वोल्ट है, सेट तो लगा दिया। तो सेट को लाइन देकर देखूंगा सेट ऑन है क्या नहीं। देखिए दोस्तों सेट ऑन हो गया और टोटली ओके कंडीशन है। ठीक है, तो सेट को मैं एक ग्लास को जल देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये ग्लास ले लिया, ये वाटर दे दिया, ये प्लेट नहीं है, कस्टमर नहीं दिया, तो ये यहाँ पर रख दूंगा ये वाटर गर्म होने, जस्ट टेस्ट करने के लिए ये ट्राई करूँगा। तो पहले ये माइक्रो मोड में जाऊँगा। ठीक है, तो 1 मिनट 10 मिनट्स जो भी हो और स्टार्ट। तो देखिए टोटली कनेक्शन कंडीशन की वर्क कर रहा है और यहाँ पर जो देखने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर जो यह है रोटरी जो ग्लास प्लेट है तो वो भी नहीं, मेरे पास नहीं है, तो सब कुछ सिस्टम ठीक ठाक ही काम कर रहा है। तो ग्लास तो दे दिया, तो मेरे हिसाब से 2-3 मिनट में ये जल गर्म हो जाएगा। जल गर्म हो गया, टोटली गर्म हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।